जय श्री राम। आज जय श्री राम। आज पहुंचा है हम रतलाम जंक्शन, रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश। देखते हैं आप ये कैसा है प्लेस। हाँ अच्छा जगह है। हाँ बढ़िया चीज है यहाँ पे। सुंदर लग रहा है। मैकेनिकल बाजा ब्रांड बैंड स्टेशन, ग्रीन स्टेशन, ग्रीन स्टेशन। पूरा बाहर में एकदम सुंदर है। बाहर का पूरा साफा दिया हुआ है ना। पहली बार कोई स्टेशन दिख रहा है जिसका बाहर इतना सुंदर हो। मतलब आदमी बाहर भी रह सकता है आराम से। स्टेशन का कोई दरकार ही नहीं, अंदर का कोई लोसा ही नहीं। ट्रेन भी हेरिटेज। चलो हम देखते हैं। घुस पाया कि नहीं। सही भैया गाड़ी से बना रहा आप। गाड़ी का नाम क्या है उनको पता है? तो गाड़ी से बना रहे हैं आप। आपका गाड़ी है कस्टमर का है। क्या गाड़ी है ये? बॉक्सर। ये तो पुराना से बना गाड़ी है ना। 1928 का मॉडल है बॉक्सल 12। इस गाड़ी का 1928 का मॉडल है बॉक्सल 12 नाम है इसका। आप मॉडिफाई कर दे रहे हैं? नहीं इसको रिस्टोर करिए। मॉडिफाई नहीं। अच्छा रिस्टोर कर रहे हैं। पहली बार देखा इतना पुराना गाड़ी। पुराना गाड़ी पहली बार देखने मिल रहा है। 1928 का मॉडल है। बनने में तो बहुत, बनने के बाद तो बहुत सुंदर दिखेगा। ये गाड़ी है मारुति 800। इसको काट के इसको विंटेज टाइप का मॉडल दिया जा रहा है। तगड़ा गाड़ी सब है। जो गाड़ी उड़ी बनवाना है तो यहाँ आ सकता है। यही वाला है ना भैया? इतना बोर्ड, इतना बड़ा करके लिखा हुआ है। आते जाते हुए चीन को भी दिखता। इतना बढ़िया से लिखा हुआ है। चाय और पकौड़ी बहुत अच्छी था। और चाय का लिए पूरा भीड़ लगा हुआ। पीछे सकता 7 रुपये में चाय। अच्छा लगा पहली बार 7 रुपये में चाय पी रहा हूँ बाहर में। जैसे यहाँ हर जगह 10 टका ही लेता है। जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो देखा, बहुत ही छोटा वीडियो था। क्योंकि जैसे कि यहाँ से, मतलब जहाँ से मैं निकला था ना, वहाँ से जो स्टेशन गया था वो आउटसाइड स्टेशन हो गया था। ठीक है, तो उस साइड से मैं फिर आउटसाइड चला गया गांव का इलाका। वहाँ पे घूरा फिरा बहुत ही अच्छा जगह था। तो उसके बाद फिर सही स्टेशन गया। करीबन 2 घंटा ही वो पूरा रतलाम में 2 घंटा ही बिता पाया। क्योंकि मेरा टारगेट 1 दिन का है तो 2 घंटा ही वहाँ पे रहने को मिला। उसके बाद पास में ही उज्जैन पड़ रहा था तो उज्जैन का ट्रेन भी आ चुका था तो उज्जैन के लिए निकल गया वहाँ से। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा रतलाम का तो पूरा वीडियो नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये वीडियो मेरा, मतलब मेन मेरा जो मोटिव है ये है कि आज का दिन हम लोग का सबसे बड़ा पर्व होता है। हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व आता है छठ पूजा। ठीक है, इसी के लिए वीडियो बनाया हूँ। आज के दिन इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं हमारे हिंदू समाज के, वो सभी एक साथ ही होते हैं। आज सभी, सब कोई के घर में हर कोई रहते हैं एक साथ। ठीक है, लेकिन मेरा तो सिचुएशन ऐसा है अभी, मतलब होता है ना जिंदगी में सिचुएशन आ जाता है कभी ना कभी, अलग कुछ वक्त के लिए रहना ही पड़ता है किसी को, तो वैसे ही चल रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी तो मैं बाहर हूँ, वहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, इसीलिए मेरे जो भाई बहन है जो पूजा कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से करें। और उन सबको, सबको बहुत ही मेरे तरफ से, मतलब बहुत ही सारा ढेर शुभकामनाएं छठ पूजा का। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छठ पूजा जो होता है ना, ये हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें करीबन 5 दिन का होता है। ये स्टार्ट हम लोग का 1 मंथ पहले हो जाता है, 1 मंथ पहले होता है। ठीक है, लेकिन ये मेन जो होते हैं ना 5 दिन, ये 5 दिन होते हैं। पहला दिन में होता है हम लोग का नहान खान। ठीक है, दूसरा दिन आता है आपका गोधन पूछते हैं उनको, गोधन बोला जाता है। उसमें मतलब एक गाय का जो गोबर होता है उसका एक डोल बनाया जाता है। उसको डोल बना को डोल को पूजा जाता है और कुछ कुछ उससे कहा जाता है। ठीक है, साथ ही एक आता है हम लोग का, उसके बाद आता है खरना, जिसमें आपको शाम के वक्त में उसमें पूजा किया जाता है। ठीक है, भोग लगाया जाता है भगवान को शाम के टाइम में चांद को देख के। ठीक है, और फिर उसके बाद सजिया घाट आता है, फिर आपका सुबह का घाट होता है।
ठीक है, इस 5 दिन के जो जो समय रहता है ना, इसमें हम लोग का मतलब सारा मतलब हम लोग का जो 1 साल का जो दूरी रहता है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर रहता है। इससे बड़ा हमारे लिए कोई पर्व नहीं है, लेकिन इस साल मैं तो बाहर हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी हमारे भाई बहन वहाँ पे कर रहे हैं, मेरा जो भी मतलब मेरे रिश्तेदार, जो भी मेरे भाई बहन हैं, उन सभी को मेरे तरफ से ढेर शुभकामनाएं छठ पूजा का, ठीक है। अच्छे से सब छठ पूजा करें और सब सेफ रहे, खुश रहे। और ये जो छठ पूजा का वीडियो है, अगले साल हो सके तो, अगर अगले साल अगर मैं अगर ब्लॉग बना रहा हूँगा तो आपके लिए ज़रूर डाल दूँगा, क्योंकि मेरा तो सफ़र है, तो ये फिर उसके बाद तो शायद कुछ हो, लेकिन फिर भी अगले साल छठ पूजा का वीडियो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि हम लोग का पर्व कितना बड़ा होता है, ठीक है। इसी के